हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेरल कैड में। आज की वीडियो में हम आपको ओपिटेक सॉफ्टवेयर में एक वुमेंस का टैंक टॉप का पैटर्न बना के दिखाएंगे, जो इसकी मेजरमेंट ये है। हमारा बेस साइज S होगा। ये पार्ट वन में हम इसको पैटर्न बनाएंगे और पार्ट टू में इसको आपको ग्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो ये पार्ट वन है, ये हमारी मेजरमेंट है और ये मेजरमेंट इंचिस में है, तो हम इसे ओपिटेक्स में बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे टी शर्ट का बेसिक पैटर्न बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हमें लेंथ लेना होगा, फ्रंट बॉडी लेंथ, और हमारा चेस्ट कितना दिया हुआ है। चेस्ट हमारा आर्म होल के 1 इंची बिलो 34 दिया हुआ है। तो हम सेम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट रेक्टेंगुलर पीस पे जाएंगे और यहाँ पे लेंथ डालेंगे 23 और चेस्ट में चेस्ट डालेंगे 34 डिवाइडेड बाय 4। ये ऑल राउंड चेस्ट दी हुई है हमारी, जो कि 8.5 होगी, 8.5। और इसको ऐसे एक स्क्वायर ले लेंगे। और अब हम पॉइंट लगाएंगे इसमें। सबसे पहले शोल्डर नेक विड्थ का पॉइंट लगाने के लिए ओ कीबोर्ड में ओ प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट टूल आ जाएगा पॉइंट लगाने के लिए। और अब हम देखेंगे हमारा शोल्डर कितना दिया हुआ है। शोल्डर हमारा एस साइज में 10.5 दिया हुआ है। 10.5 का हम हाफ लेंगे, 10.5 का हाफ हो जाएगा हमारा 5.25। और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट हमें ग्रेड पॉइंट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 5.5 वैल्यू डाल देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा 5.5 पे। और फिर अगेन नेक विड्थ का पॉइंट लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ग्रेड ही रहेगा और हम देख लेंगे हमारी नेक विड्थ कितनी दी हुई है। नेक विड्थ हमारी दी हुई है 8.5। 8.5 का हाफ करेंगे 4.25, यहाँ पे हम 4.25 डाल देंगे और ओके कर दें, एंटर कर देंगे। अब अगला जो पॉइंट आता है सेम जैसे टी शर्ट में, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा शोल्डर स्लोप का। शोल्डर स्लोप हम देखेंगे कितना दिया हुआ है। शोल्डर स्लोप 1/2 इंची दिया हुआ है। शोल्डर स्लोप करने के लिए कीबोर्ड में क्यू प्रेस करेंगे तो ये टूल आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको आगे की तरफ करेंगे और यहाँ वाई की वैल्यू में 0, एक्स की वैल्यू में 0.5 डाल देंगे तो 1/2 इंची हमारा शोल्डर स्लोप हो जाएगा। अब अगला पॉइंट हमारा आर्म होल स्ट्रेट का। आर्म होल स्ट्रेट हमारा दिया हुआ है 8। अब हमें सिर्फ ये ऊपर वाले पॉइंट को एक्स में गिराना है। यहाँ पे वाई में 0, एक्स में 8 डाल देंगे। यहाँ 1/2 इंची प्लस हो गया, 1/2 इंची इसको माइनस करेंगे। ये हमारा 8 बिल्कुल हो गया। अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। अक्रॉस फ्रंट का पॉइंट है हमारा। अक्रॉस फ्रंट की पोजीशन 5 इंची पे HPS से 10.25 दी हुई है। अब यहाँ से गाइडलाइन लेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, 5.5 पोजीशन यहाँ डालेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से गाइडलाइन लेंगे एक, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और हमारा क्रॉस फ्रंट देखेंगे कितना दिया हुआ है, 10.25। 10.25 का आधा हम कितना होता है हम देखेंगे, 10.25 का हाफ होता है 5.12। यहाँ पे 5.12 डालेंगे हम, 5 इंची एक सूत। हमारा आर्म होल का पॉइंट इससे नीचे नहीं होगा, होना चाहिए। और अब हम M टूल लेके शेप बनाएंगे। कर्व में शेप देने के लिए शिफ्ट पहले दबा लेना है, उसके बाद लाइन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे कर्व देने के लिए आएगा, जो कि हम ऐसे देंगे।
शेप हम बिल्कुल अच्छे से देंगे। इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा शेप देना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आ जाती है अच्छे से। मैं जेमनी सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आता है शेप देने में। कुछ इस तरह से रहेगी शेप। कुछ इस तरह से रहेगी शेप, ये शेप थोड़ी ठीक है। और अब हम देखेंगे हमारा बॉटम कितना दिया हुआ है। बॉटम हमारा रिलैक्स दिया हुआ है 36। बॉटम रिलैक्स 36 दिया हुआ, इसमें वेस्ट तो नहीं दिया हुआ, नहीं वेस्ट नहीं दिया हुआ। हम 36 बॉटम थोड़ा प्लस करेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 4, 9। इसको 1/2 इंची बढ़ाएंगे। यहाँ पे ऐसे कर्व शेप देंगे।
एक कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और वी से, एक एक पैटर्न पे फ्रंट लिखेंगे, दूसरे पे बैक। और अब हम नेक की शेप देंगे। नेक की शेप देने के लिए हम पहले फ्रंट नेक ड्रॉप देखेंगे कितना दिया हुआ हमारा। फ्रंट नेक ड्रॉप 6 दिया है, इसको एक्स में गिरा देंगे 6। और एच टूल लेके यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो इसका सिमेट्रिक ओपन हो जाएगा। और एम टूल लेके हम इसके नेक की शेप पहले बनाएंगे। नुक्कड़ नहीं यहाँ पे बननी चाहिए। और बैक के नेक की शेप देंगे। बैक नेक ड्रॉप हमारा 3 दिया हुआ है। इसको भी एच टूल की मदद से सिमेट्रिक ओपन कर लेंगे ताकि शेप देने में आसानी रहे। अब अक्रॉस बैक सेट करेंगे हम। अक्रॉस बैक देखेंगे कितना दिया हुआ है, 10.5 दिया हुआ है, 10.5 का आधा 5.25। अब हम फ्रंट को बैक के ऊपर रख के देख लेंगे कुछ इस तरह से। कंट्रोल अल्ट जी से गाइडलाइन था वो डिलीट कर देंगे। अब हमारे बैक की लेंथ जो है छोटी है फ्रंट की लेंथ से, तो हम 1/2 इंच लेंथ शॉर्ट करेंगे बैक में। लेंथ शॉर्ट करने के लिए क्यों टूल लेंगे और इसको 0-0.5 कर देंगे। 1/2 इंच लेंथ शॉर्ट कुछ इस तरह से फ्रंट में देखेंगे। राउंडिंग तो नहीं दी हुई है, हल्की सी राउंडिंग है फ्रंट में।
कुछ इस तरह से। अब हम इसमें सीम मार्जिन डालेंगे। सीम मार्जिन डालने के लिए एस कीवर्ड में दबाएंगे और यहाँ पे 0.39 का मार्जिन डालेंगे। सिर्फ यहाँ आरमोल के पास मार्जिन, आरमोल और नेक के पास मार्जिन नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग से बोन लगेगी, कुछ इस तरह से। बॉटम में फोल्ड देख लेंगे कितना है हमारा। बॉटम हेम हाइट 1.5 इंची है, हम 1 इंची का डाल देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी लंबाई प्लस रहेगी। ये हमारा टैंक टॉप का पैटर्न रेडी है, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा टैंक टॉप का पैटर्न। ये पार्ट वन था, हमने इसमें आपको पैटर्न बना के दिखाया, पार्ट टू में आपको इसको ग्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो फाइल को सेव कर लेते हैं।